राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि एनडीए के पहले 15 दिन भीषण ट्रेन दुर्घटना, कश्मीर में आतंकवादी हमले, ट्रेनों में यात्रियों की दुर्दशा, नीट घोटाला, नीट पीजी निरस्त, यूजीसी नीट पर पेपर लीक, दूध दाल गैस टोल और महंगे, आग से धधकते जंगल, जल संकट, हिटवेव में इंतजाम न होने से मौतें। इस दौरान उन्होंने कहा कि मानसिक रूप से बैकफुट पर नरेंद्र मोदी बस अपनी सरकार बचाने में व्यस्त हैं। नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार का संविधान पर आक्रमण हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है और ये हम किसी हाल में होने नहीं देंगे। इंडिया का मजबूत विपक्ष अपना दबाव जारी रखेगा, लोगों की आवाज उठाएगा और प्रधानमंत्री को बिना जवाबदेही बचकर निकलने नहीं देगा। इस दौरान राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि अमित शाह को जो आक्रमण संविधान पर कर रहे हैं वो हमारे लिए स्वीकार्य नहीं है और वो हम नहीं होने देंगे। इसलिए हमने शपथ लेते समय संविधान पकड़ा था, हिंदुस्तान के संविधान को कोई शक्ति नहीं छू सकती।